सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में भाई अब गोपिका के मोमोज का राज जो है कि मोमोज उसने पकड़ लिए हैं और आसी का भांडा फोड़ दिया है और अब मिथिला पूरी तरह से गुस्सा हो गई है। तो भाई आसी को सजा तो मिलेगी लेकिन इसका बदला वो गोपिका से जरूर लेगी। जी हां दोस्तों, आसी यहां पर अब शुरू करेगी एक नई कहानी जो कि गोपिका को घर नीचा दिखाने की कहानी शुरू होगी, लेकिन मिथिला के सामने उसकी कितनी चल पाती है तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि अब मिथिला अच्छे से समझ गई है कि आसी किस तरह से गोपिका को बेवकूफ बनाती है, अपने काम करवा लेती है और फिर अपना जो क्रेडिट ले जाती है। वो नाश्ता भी गोपिका ने ही बनाया था लेकिन क्रेडिट जानबूझकर आसी ले गई थी और इस बात का अंदाजा मिथिला को हो जाता है कि हमेशा ही आसी ऐसा ही करती है। तो भाई यहाँ पर अब आसी का जो भाई मोमोज वाला खुलासा होगा उसके बाद में उसे बहुत बुरी तरह से डांट तो पड़ेगी ही कि भगवान के मंदिर में भी उसने इतना मजाक बना दिया, प्रसाद की जगह मोमोज रख दिए और ये कबार से मार्केट से मंगवाए हुए मोमोज होते हैं। तो यहाँ पर बुरी तरह से यहाँ पर भड़कने वाली है मिथिला और उसको बुरी सजा भी देने वाली है जो कि आसी से बर्दाश्त नहीं होगा कि गोपिका की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि गोपिका ही उन मोमोज को पकड़ लेती है। उसके बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और मिथिला को पता चल जाता है कि वो गोपिका के साथ नहीं तमीजी कर रही है और इसके बाद मिथिला का गुस्सा आसी पर फूटता है और उसे एक उस पर हाथ भी उठाने वाली होती है मिथिला। उसे वार्न कर देती है कि अब गोपिका से कोई भी वो काम नहीं करवाएगी, ना ही गोपिका उसका कोई काम करेगी। तो यहाँ पर अब आसी को सजा तो मिली है लेकिन अब गोपिका को नीचा गिराने के लिए वो ऐसी ऐसी हरकतें करती नजर आएंगी गोपिका के साथ में जो कि घर वालों के सामने उसको नीचा दिखा सके, लेकिन यहाँ पर मिथिला उसके साथ में और उसकी कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होने देगी। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मिथिला कैसे आसी की चालाकियों से गोपिका को बचाते नजर आएगी।